देखिए इस तरीके से नीचे पूरा घिस दे रहे हैं, ऊपर वाला एकदम चमकीला टाइप में पूरा निकल रहा है एकदम चोया इसका, देखिए पूरा चमकीला है। ये मछली का नाम नहीं पता हमको, बस ताजा मछली जान रहे हैं। गाइस मम्मी अभी बना रही है भेज बिरयानी, और देखिए फ्राई करके पानी वानी डाल दिए हैं, बस अब फ्राई हो गया है और पानी वानी भी डाल दिए हैं, अब बस 2-3 सीटी लगाएंगे हो जाएगा। और उनको देखिए ड्रिंक बना के पी रहे हैं। सब्जी में आज क्या क्या चीज़ दिए हैं, बैगन खरीदे हैं और धनिया पत्ता और मेथी पत्ता, और ये सब का सारा सब्जी बनेगा। नाश्ता में क्या है, पुलाव। अरे वाह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो मेथी पत्ता टूट गया। हाँ, इतना निकाल है और भी एक बंडल और है। एक क्या बनाएगी, रोटी बनाएगी, साग बनाएगी, ये बनाने वाली है सब्जी। सब्जी मत बनाओ, उसमें आलू के साथ है ना, उसका फ्राई करके बना दो। हाँ वो अच्छा लगेगा। वही करेगी है ना, एक तो लग रहा पूरा तोड़ लिया। ये तो टूट चुका है ना, चूल्हा भी इधर जल चुका है। चावल के लिए हमें, मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, आज हम लोग छोटा मछली लिए थे तो उसी को अभी साफ कर रहे हैं, उसका ऊपर वाला लेयर को ना, क्या बोलते हैं उसका, चोया को, ऊपर वाला को निकाल रहे हैं। देखिए हल्का हल्का छोटा छोटा है ना। हाँ वही निकाल दे रहे हैं नीचे घिस घिस के ना। बहुत अच्छा लगता, ताजा मछली है। हाँ एकदम ताजा मछली मिल गया मॉर्निंग में तो ले लिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, इसका फ्राई करके खाइए मजा आ जाए। फ्राई करके बनाएंगे ना, तो बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से नीचे पूरा घिस दे रहे हैं, ऊपर वाला एकदम चमकीला टाइप में पूरा निकल रहा है एकदम चोया इसका, देखिए पूरा चमकीला है। ये मछली का नाम नहीं पता हमको, बस ताजा मछली जान रहे हैं। आपको पता है मम्मी जी पापा छोटा छोटा मछली को साफ कर रहे हैं, पूरा चमकीला है निकल रहा है क्या, इधर बारी में हम लोग बना रहे हैं मछली फ्राई, हस्बैंड जी बना रहे हैं और थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। हाँ देखिए इधर, और थोड़ा सा फ्राई करके रख भी लिए हैं, राउंड फ्राई करके निकाल लिए हैं प्लेट में, ये सेकेंड राउंड अभी फ्राई कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फ्राई हो रहा है और इधर इतना सारा रखे हुए हैं और अभी इतना करना है फ्राई। खाना बन करके रेडी हो चुका है, मम्मी तो खाने बैठी है, मछली बीन्स का सब्जी पापड़ दाल, और इधर ये बैठे हुए हैं खाने के लिए, और मेरा भी खाना यहाँ लग चुका है। इधर देखिए मछली चोखा बैगन का और पापड़ और चावल दाल, बहुत टेस्टी, ताजा था ना। अब हम चले खाने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।